हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई कैसे हो सारे? मैं तो एकदम अच्छा हूँ, आप बताना कमेंट में कैसे हो। दुआ करता हूँ कि यार आप भी अच्छे ही होगे मेरी तरह और मेरा आज का दिन शुभ हो। तो भाई अभी मैंने एक व्लॉग एंड किया है और अभी मैं एक व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। जिस पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि यार पोम्पू की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, उल्टियाँ कर रहा है, लेकिन यार जब से अभी एक डेढ़ घंटे से तो ये सही है, सो रहा है आराम से। थोड़ा इसको आराम है क्योंकि हमने इसे एक दवाई भी दे दी थी उल्टी वगैरह बुखार की। और भाई आप ये मत सोचना कि मैं तिरछा क्यों देखता हूँ, मुझे कैमरे पे देखना चाहिए, लेकिन भाई कैमरा है इस साइड और मैं अपनी शक्ल देखता हूँ क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से ब्लॉग बनाता हूँ। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 1:20 है, अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ ये वाला, तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। और एसी चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है, बढ़िया मौसम, मतलब माहौल घर का एकदम अच्छा हो रखा है। मम्मी टीवी देख रही है, मतलब टीवी में हमारी ब्लॉग देख रही हैं। तो भाई देखते हैं क्या करना है। वैसे अभी हमने पकौड़ी खाई है चाय के साथ में, उसका ब्लॉग नहीं बनाया, पता नहीं भाई मैंने क्यों। आइयो अभी देखो, ये पोपू की तबीयत काफ़ी अच्छी हो गई है। तो भाई अभी मैं इसके लिए लेने जा रहा हूँ एक माजा की बोतल और दो बिस्किट वगैरह, तो इसका थोड़ा पेट अच्छा हो जाएगा। तो चलो भाइयों अभी देखो, अभी ये बिल्कुल अच्छा है और इसने माजा वगैरह भी पी ली है। पहले तो पी नहीं रहा था, लेकिन फिर एक दो बार जब पी तो इसे अच्छी लगी, तो इसने सारी ख़त्म कर ली है। और भाई अब ये कपड़े से खेलने की जिद कर रहा है और देखो मेरा हाथ चापता है अगर मैं से मना कर देता हूँ तो ये अब नॉर्मल है, बिल्कुल अच्छा है, स्वस्थ है, मस्त है ना भाई पोम्पू। जब ये बीमार हो गया था ना, सबसे ज़्यादा टेंशन किसे हो गई थी पता है? मम्मी को। मम्मी आपको इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों हो गई थी? मुझे इसका बहुत प्यार है। और भाई ये भी मम्मी को बहुत प्यार, मतलब मुझे तो लगता है भाई ये पापा को ज़्यादा प्यार करता है मम्मी से, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इसकी सारे जो काम है वो मम्मी करती हैं, इसे नहलाती मम्मी है, खिलाती मम्मी है, तो ये सब। फिर भी भाई ये पापा का ज़्यादा प्यार करता है। अब तो ये खेल रहा है, अच्छा है और मस्त है, जो कि अच्छी बात है भाई। भाइयों अभी बज चुके हैं भाई शाम के 5, टाइम हो गया है दूध लेके आने का, तो चलते हैं जल्दी से भाई। बोरा देखो पोम्पू, जिसकी तबीयत एकदम सही हो चुकी है, अब तो टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो यार चलते हैं। भाई अभी मैंने स्कूटी बाहर तो निकाल लिया है घर से, मतलब गैलरी में से, तो अभी हम जाने वाले हैं दूध लेने के लिए। फिलहाल देखो यार गर्मी हो रही है क्योंकि यार शाम को हवा चलनी चाहिए, वो चल नहीं रही है बिल्कुल भी, उमस सी बनी रखी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जो कि नहीं बननी चाहिए। भाई ये जगह है तो वैसे थोड़ी साफ नहीं है, कचरा वचरा पड़ा रहता है, लेकिन भाई ये जो ग्रीनरी है ना कैमरे में बड़ी अच्छी आती है ना मम्मी? मम्मी तो शर्मा जाती है, पता नहीं मम्मी ऐसा क्यों है, आप इतना क्यों शर्माओ? नहीं भाई यही है मम्मी, पता नहीं थोड़े दिन और लगेंगे फिर मम्मी बोलने लगेंगी कैमरे के आगे, पता नहीं यार होता है कैमरे का डर थोड़ा लगता है कुछ लोगों को, लेकिन हमें नहीं लगता का, ये सब तो हमें प्रैक्टिस हो गई। तो चलते हैं अभी यार दूध लेते हैं, जहाँ से वहाँ चलते हैं, अभी वहाँ पे पहुँचे नहीं है बीच रास्ते में। भाइयों अभी दूध लेके आ चुके हैं, पीछे देखो पोम्पू बहुत ही अच्छा हो गया है, अब बिल्कुल भी इसकी तबीयत ख़राब नहीं है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और भाई अभी देखते हैं आगे क्या करना है। आज मैं सोच रहा हूँ ऑयल पेस्टल से एक ड्रॉइंग बनाऊँ अच्छी सी, जैसे महाकाल की बनाई थी वैसी एक ड्रॉइंग बनाऊँ, तो देखते हैं भाई बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, या जो भी होगा आप व्लॉग में बने रहिए, मैं आपको दिखाता रहूँगा जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है। यो अभी मैं एक ऑयल पेस्टल के साथ ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ, जो कि यार पहले मैं यूट्यूब पे देखूँगा कोई आसान सी ड्राइंग और फिर उसे बनाने की कोशिश करूँगा अच्छे से। तो भाइयों भी ऑयल पेस्टल से ड्राइंग बनाने की मैंने कोशिश की थी तो अच्छे से ब्लेंड हो नहीं रहा,
उसका पेपर ये लगाता है जिसपे ब्लेंड हो जाता है। तो इस पेपर पे जिस पर मैंने कलर किया था इसे एयरप्लेन बना लिया और इससे मैं खेलने वाला हूँ। तो उसका भी पेपर लाना पड़ेगा ब्लेंड करने के लिए। मैंने कपड़े से भी करके देख लिया और रुई से भी करके देख लिया, उंगली से भी करके देख लिया, लेकिन हो नहीं रहा। वो मिक्सिंग अच्छे से नहीं हो पा रही, दिख जा रहे हैं निशान, देखो यहाँ पे ये डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए इतना ज़्यादा जितना इसमें दिख रहा है। तो ये सिंपल पेपर है, उसका पेपर अलग आता है। ये रहे मेरे भैया, आज बड़े खुश हैं। तो गाइस अभी मेरा रात का खाना भी हो चुका है और अभी मैं थोड़ी बहुत सेब खा रहा हूँ, खाने के बाद अच्छा होता है। तो आज के इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।